अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आ जा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर इनविटेशन मैम। थैंक यू सर। और सर, क्या आप लोग जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने कोई 26/11 की जो है 26/11 की आप लोगों ने वीडियो चलाई है, और FATF को लेके, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है तो काफी बात की गई है, ऑब्जेक्शन किया गया है, और कुछ परसेंटेज वगैरह भी बताई गई है कि जी वो बढ़ सकती है, और टेररिज्म की FATF से बाहर निकलने की वजह से। साथ साथ आप लोगों ने चाइना को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म की है, क्या कहेंगे आप? देखिए आजू जी, शो बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये आज बात हुई, मुंबई में हुआ और मुंबई में ताज पैलेस में हुआ। ये वही होटल है जहाँ 26/11 का इंसिडेंट हुआ था। इट्स एग्जैक्टली द सेम। आज एक अगर आप इसको देखिए, कहने में तो ये नॉर्मल खबर लगती है, आपने इतराज किया, क्लिपिंग चलाई, वो चलाई, बट अगर आप इसके डीप में जाए तो चीज बहुत गहरी है आजू जी। सबसे बड़ी चीज गहरी है। आज मुझे इस चीज में धमकी ज्यादा, बहुत ज्यादा दिख रही है, इसमें डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा दिख रही है। पहले आपने वही जगह पे ये आदिवेशन किया जहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मतलब इट इज नॉट फिक्शन। तो यहाँ जहाँ हम बैठे यही लोग मारे गए थे, ठीक है, लोगों को एक फील आया कि वहां बैठे थे। फिर वहां एक रीफ्रेइंग सेरेमनी की गई, तो हाँ, तो जो जो रीफ्रेइंग में गया तो ही एक्नोलेज एंड एग्रीज दैट देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम लाइक दैट। तीसरी चीज जो डॉक्टर जयशंकर साहब, देखिए आई सी अ मेजर चेंज इन टैक्टिक। आज इंडिया ने क्लिपिंग चला के दिखा दी। यूजली ऐसे क्लिपिंग व्लिपिंग चलाते नहीं कि देखो जी, ये जब हो रहा था जिस होटल में आप बैठे, तब यहाँ पे ये जो मीर है, मेजर मीर है शायद इसका नाम, ये यहाँ से डायरेक्ट कर रहा था कि ऐसे करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो मतलब एक उनको एक फील दिया गया, एक मतलब एक 360 डिग्री का एक रियलिटी चेक बताया गया। ये हमारा चलेगा। डॉक्टर जयशंकर वॉज वेरी क्लियर इन फ्यू पॉइंट्स। पहली बार उन्होंने बोला, देखिए जी, जब तक टेररिज्म को पैसा ना मिलता, टेररिज्म को चलने के लिए पैसा चाहिए, तंजीमें तब तक चलती है जब तक पैसा आते रहे। पैसा, अब देखिए, टेररिज्म आपकी ड्रग्स, आपकी आपकी ये तीन वीडियो चार बीच में चीज। थोड़ी सी रुक रही है सर, आपकी अब आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है, जी। अभी अभी बेटर है, अब आप ठीक है आरजू रिपीट जी? कर देंगे आप जो बता रहे थे। जी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने पहले बोला एक जगह का बताया गया, तो एक पर हम उसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी ना देखे, उसे और भी कुछ बढ़ के देखे। हुआ क्या? डॉक्टर जयशंकर साहब का कहना, देखो भैया, ऐसा है, टेररिज्म को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चलेगा तो तंजीमें चलती है। अब पैसा कहाँ से आता है? पैसा का एक बहुत बड़ा चीज है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, ड्रग्स का धंधा, फ्लश ट्रेड का धंधा, हथियारों का धंधा, ये चार पांच धंधे मिलके ड्रग्स को, ये टेररिज्म को चलाते हैं। अगर इन पे प्रतिबंध लगाया जाए तो ड्रग्स का कारोबार रुक सकता है। उन्होंने बोला कश्मीर में प्रतिबंध लगाया, FATF के ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, और कश्मीर में एक्टिविटीज खत्म हो गई। अब आपने उनको बाहर निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि एक्टिविटीज बढ़ेंगी, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से फिर आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आप 2-3 बार तो ग्रे लिस्ट से अंदर बाहर कर चुके हो, कोई पहली बार तो है नहीं, तो अब आप निकलोगे तो फिर पैसे शुरू हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं उसकी उसकी गूंज सुनाई देगी। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये भी बोला भाई, कि जो मेरा एनालिसिस है कि उन्होंने ये धमकी भी दी है, बहुत क्लियर धमकी दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, कि देखिए, अगर आप ये पैसा नहीं रोकोगे, ये कारोबार नहीं रोकोगे, तो पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, आतंकवाद चलता रहेगा, रुकेगा। अगर आतंकवाद को रोकना, पैसा रोकना इज वन प्रोसेस, ये बीच का ब्लॉक है, दो ब्लॉक है जी, आतंकवाद है, ये बीच में पैसा, और ये यहाँ ये चार पांच एक्टिविटी है जो इस पैसे को जनरेट करती है। तो अगर हमें आतंकवाद को रोकना है तो मेन एक्टिविटीयों को भी रोकना पड़ेगा। आज आप बोल सकते हो कि भाई पाकिस्तान तो पैसे नहीं लगा रहा, पाकिस्तान की सरकार, पर पैसा आ कहाँ से रहा? पार्षद इन चीजों से आ रहा है ना। देखिए, अभी हमने गुजरात में एक एयरफील्ड बनाया 130 किलोमीटर दूर आपके बॉर्डर से। काफी लोग मुझे पूछते थे 130 किलोमीटर दूर एयरफील्ड क्यों बनाया, और वहां तो भाई जो फाइटर जेट की स्पीड होती है उसके लिए 130 किलोमीटर होता क्या है? तो गुजरात के पास एयरफील्ड बनाने का मतलब क्या? मैंने कहा, पहले जो तस्करी होती थी वो अंडमान निकोबार से होती थी, जब से वो एरिया टाइट हो गया, अब चेती बंदर नाम की एक जगह है, अब यहाँ से तस्करी आपके यहाँ, और वो बड़ा पोरस बॉर्डर वहां।
बढ़ाना, उसी भाषण में मोदी जी ने कहा था कि नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपने देखा होगा, नेवल पेट्रोलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मर्चेंट नेवी को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने देखा पीछे कुछ दिन पहले इंडिया में करीब 75 स्थानों पे 75 अड्डों पे एनआईए के रेड हुए। अभी अड्डे किसके हैं, किस किस के नहीं है, ये पता हो जाएगा, खुलासा होगा। आप जानते हैं, मैं जानते हूँ किसकी तरफ दिमाग कहाँ की तरफ भाग रहा है। तो ये जो चीज है ये भी काम हो रही है। तो अब अगर इंटरनेशनल बॉडी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी, तो हमें अपने लेवल पे आके कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसकी कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कल परसों ये भी खबर आई थी, उसके उसके हर स्टेट में ऑफिस होगा। और एक स्टेट में ऑफिस ही नहीं होगा परमानेंट ऑफिस, कुछ जिले ऐसे हैं 250 जिले करीब जिनमें परमानेंट ऑफिस होंगे। तो धीरे धीरे अब आप देखेंगे इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड आल्सो जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें चाहिए कन्विक्शन रेट 90%। और अगर ये चीजें बाहर नहीं रुकेंगी, अगर आप भी मीर पे टेक्निकल होल्ड लगाता चाइना, तो इसका मतलब है चाइना टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, चाइना टेररिज्म के साथ है। और वो क्लिपिंग के बाद अब वो चाइना का लोग बात घुमा रहे थे कि नहीं म्यूचुअल इंटरेस्ट हुई, देखिए इस टाइम का ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वगैरह कहने का टाइम निकल गया। हम अपने देश में करेंगे जो हम कर सकते हैं, उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। इंटरनेशनली जो करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर इसराइल को हक है अपने इंटरेस्ट को कहीं भी प्रोटेक्ट करने का, तो आज जी मैं आपके चैनल पर खुल के बोलता हूँ, हमें भी हक है अपने इंटरेस्ट को कहीं भी प्रोटेक्ट करने का। उसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल ड्रामा और फसाड़ों पर ज्यादा देर नहीं चल सकते। क्योंकि आज हमने अपना स्टैंड वाजे कर दिया, देखो भैया ये हमारी परिस्थिति है, आप कर सकते हो तो करो। उसके बाद भी चाइना ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं, बड़े बदतमीज जहल किस्म के लोग हैं। आज भी कुछ म्यूचुअल की अंग्रेजी, जैसे इनकी अंग्रेजी तो वीक होती है, पता नहीं कोई लिखा पिखा पड़ा म्यूचुअल की गोलगप्पे डाल रहे थे वहां पे, कौन सा म्यूचुअल क्या बिल्कुल मीर ये सामने ये तुम्हारे सामने बैठे हो, इतने लोग मारे दुनिया ने देखा, और आज भी तुम बात करो म्यूचुअल 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 की। और हमें साथ काम करना चाहिए, साथ और काम करने के दिन निकल गए। आप आरजू जी जानते हैं मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं इन बिटवीन द लाइंस बात नहीं करता, और मैं तो प्रेडिक्ट भी बोल देता हूँ कि मुझे क्या लगता है और आगे क्या होने वाला हो, क्योंकि दिस इज व्हाट आई थिंक माय यू नो स्ट्रेंथ इज। ये आज बहुत बड़ी धमकी दी गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वाजे कर दिया गया, यू कैन नॉट टेक इंडियाज इंटरेस्ट फॉर ग्रांटेड, इंडिया विल डू व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड। अगर वो बालाकोट करना है बालाकोट होगा, अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करनी है सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अगर हमें कुछ एसेट्स को जहां कहीं भी न्यूट्रलाइज करना हो वो भी किया जाएगा, और वट एवर, देखिए अगर जहाँ जहाँ 150 करोड़ लोगों के जानवर का की बात होती है, तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम ना हम ये तंग आ गए हैं डोजियर बेच बेच के प्लेटफॉर्म बोल बोल के। आज तो हमने क्लिपिंग भी दिखा दी, और ये बेगर है चीनी ऐसे आज भी फिर भी वो पता नहीं क्या गोल गोल बातें कर रहे थे। अब हमारी भी पेशेंस की सीमा बाहर जा रही है। मेरा इंटरप्रिटेशन दिस इज वी आर रीचिंग अ स्टेज वेयर वी विल हैंडल द थिंग्स अवे वी विल बी इन अवर नेशनल, और वो स्टेज आ गई है, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, और ये हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा। आज जी आपने म्यूनिक पिक्चर तो देखी होगी, अच्छी पिक्चर है, तो अगर म्यूनिक पिक्चर इसराइल तो हमारे सामने बहुत छोटा देश है ना, अगर इसराइल म्यूनिक कर सकता है, तो अगर हमें प्रिवेंशन या क्योर के लिए जो भी करना पड़े होगा, और कुछ चीजें आज की डेट में भी चल रही है, जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, प्रिवेंशन और क्योर की चार चीजें चल रही, जब तक ये चार चीजें पीछे चल रहेगी, टेररिज्म को पैसा जाना नहीं रुकेगा, और टेररिज्म को पैसा जाना नहीं रुकेगा, यहाँ कहीं बम फूटेगा, कहीं गोली चलेगी, कोई क्लाश्निकोव होगी, और कोई कुछ होगा। बाय द वे एक और चीज भी टेररिज्म को बहुत फंड करती है, वो है बेटिंग। बेटिंग का पैसा कहीं जाकर वो बहुत फाइनेंस करता है। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में बेटिंग पे भी कुछ कार्रवाई होने की, मेरा आइडिया है कि कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है सुमित जी के, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आप सोच रहे हैं, क्या आएगा? क्योंकि कुछ टाइम से तो यहाँ से भी यही कहा जा रहा है कि इन चीजों पे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको चाहे FATF समझ लें, कुछ भी समझ लें उसकी वजह से, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है? देखिए पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा, बुरा ना मानिएगा, बाजवा जाएंगे ख्वाजा आएंगे, चार चीजें पांच चीजें हमने बताई, ड्रग क्या कर रहे हैं, फ्लैश ट्रेड, आर्म्स, नार्कोटिक्स, और मगर ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ड्रग्स बता रहे हैं, आर्म्स बता रहे हैं, नार्कोटिक्स बता रहे हैं, ये चीजें पाकिस्तान कहता है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से आती हैं, हमारी साइड से नहीं आती हैं, वहां से क्रॉस करके जाते हैं, ज्यादा तो आपकी तरफ से ही है, हमें इसलिए
गुजरात में हमें पोर्ट क्यों बनाना पड़ा? दाऊद इब्राहिम पे हमने बात की थी, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? हमें पख्तूनवा में आपी ने रखा है, सुना है मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है और जल्दी आप डिक्लेयर करेंगे, पर ये सुनने में है, पता नहीं कितना सच है। तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई 40% हिस्सा मिलता है एसआई को इस सारे बिजनेस। जब तक ये देखिए आप, हम कॉज एंड इफेक्ट को अलग अलग कंफर्म नहीं है, सुनी सुनाई बात है, 40% का कंफर्म नहीं सुनना है, ऐसे मीडिया में खबरें हैं। देखिए अब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, होता 2500 मुझे नहीं पता, कुछ तो है, प्रोटेक्ट तो आपने कर रखा है, इसलिए कर रखा हमें नहीं पता। अब देखिए एक बार नंबर जी, हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। इफेक्ट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। आपने एफएटीएफ को ये देखिए, ये कॉज है, ये बीच में एफएटीएफ है, ये इफेक्ट है। हम बीच वाली चीज की बातें कर रहे हैं, पर ये जो इस चीज को जनरेट करती है, जो चार चीजें पांच चीजें यहाँ, इस पर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इसको हमने कंट्रोल कर दिया, बीच के ब्रिज की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, यहाँ खुद ही इफेक्ट आएगा। अगर आप दरिया के दो किनारों के बीच में जुड़ने वाला ब्रिज उड़ा दो तो ब्रिज तो नया बन जाएगा, अगर यहाँ जरूरत ही नहीं लगेगी लोगों को इस तरफ की तरफ आने की तो चीज नहीं आएगी। पाकिस्तान लोगों को बेवकूफ का बना रहा, पाकिस्तान अपनी गुगली खेल रहा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कर दिया, कब तक कर दिया? आपने कौन सा ऐसा डिसिसिव एक्शन लिया जिससे ये फिर खड़ा नहीं होगा? आज जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने पांच चीजें वाजी की है, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, इसके होते हुए चीजें चलेंगी, चीजें होंगी, और जब तक ये चीजें चलेंगी और चीजें होंगी, हमें हमें पता है इसका आउटकम क्या होगा, हमें पता है इसका आउटकम क्या होगा। अब टाइम आ गया है मेरे हिसाब से हमें चीजों को खुद हैंडल करना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहाँ काफी चीजें ग्राउंड पे हो रही है और कुछ दिनों में आरजू जी आप देखेंगे काफी चीजें और होंगी, ये भी मेरा प्रेडिक्शन है। मैंने आपको बताया कि पीछे 70-75 ठिकानों पर एनआई के रेट पे, एनआई का हर कंट्री में ऑफिस आ रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में परमानेंट ऑफिस आएगा, 2024 तक हर ऑफिस आएगा, और हमें कन्वर्शन रेट 90% ले जाना है। ये चीजें यहाँ चल रही है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप देखिए जल्दी बेटिंग पे भी काफी सिंडिकेट चलते हैं जिनसे ये सारा पैसा चैनलाइज होता है, इस पे भी कार्रवाई होने का पूरा अंदेशा है, जो अभी यहाँ पे मीडिया में खबरें वगैरह चल रही है, और मेरा अपना असेसमेंट है। तो अर्जुन जी ये चार पांच चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमें गुजरात में अचानक एयरपोर्ट खोलने की क्या जरूरत पड़ी, और हमें इतने ड्रोन्स देने की क्या जरूरत पड़ी? ड्रोन्स भी तो लिए, MQ-9 लिया, प्रेडेटर भी लिए, जरूरत पड़ी अपने ड्रोन भी बना रहे। ये तो सर आप लोग लेते रहते हैं, ये चीजें तो आप लोग वैसे भी बनाते भी रहते हैं और परचेज भी करते रहते हैं, और कहा यह जाता है कि चाइना के लिए ले रहे हैं। वैसे जो भी आपके जो दूसरे दोस्त हमारे पास आते हैं वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त चाइना की तरफ फोकस है। सर आपकी आज आवाज थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा सा लाउड बात कीजिए। अर्जुन जी एक ही चीज बोलूंगा, गुजरात का बॉर्डर तो पाकिस्तान से लगता, चाइना से थोड़ी ना लगता। सही, ट्रू। आंसर मिल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं वो बात सही आपकी, लेकिन मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही मैं कि सिर्फ एक चीज का, कई चीजें आप लोग बनाते रहते हैं, कई हथियार आप लोग लेते रहते हैं, मिसाइल्स के टेस्ट होते रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं होता, वो तो खैर चाइना बॉर्डर की जो चाइना का डोमिनेंस अफ्रीका में था, अफ्रीका को हम तोड़ रहे, क्यों हम डोमिनेंस क्यों तोड़ रहे? अफ्रीकनों को क्या चाहिए? अफ्रीकनों को चाहिए रिलायबल हथियार एट अ रीजनेबल प्राइस। ऐसा ना हो कूड़ा कबाड़ा भेजे फिर बोले उसको अपग्रेड करेंगे, हम नहीं करते। अब देखिए 12 कंट्रियों से तेजी की डिमांड आ रही है, और अब LCH की बात करें, LCA की बात करें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, हर जगह इंडिया चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है, हर क्षेत्र में चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है। 5G की बात करें, 6G बन रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे को ये कहीं से पता लगा है कि जो 6G का प्लेटफॉर्म बन रहा है उसकी कोडिंग शायद संस्कृत में हो। अगर संस्कृत में हमने इसको कोड कर लिया तो दुनिया में कुछ उड़ा नहीं पाएगा, सोर्स कोड भी कोई नहीं चला। संस्कृत इज द मोस्ट प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। तो काफी चीजें आज भी हो रही है, मतलब मैं बार बार आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ विद डाटा, क्योंकि काफी चीजें ग्राउंड पे हो रही है। वी हैव द विजन टू यू नो डू इट, बट विल चूज द प्लेस ऑफ एंड टाइम ऑफ अवर यू नो लाइकिंग टू एक्ट ऑन व्होएवर एंड व्हेनेवर इट हैज टू बी एक्टेड। एंड अगेन
The good thing is we should not be predictable. अगर हम predictable हो जाए फिर उसमें कुछ दम ही नहीं रहता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले के टॉपिक पे थोड़ा और आगे बात करें, आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ, क्योंकि आपकी आवाज आज बहुत कम है और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं वो मुझे जरूर शिकायत करेंगे कि आपकी जो आज ऑडियो है वो थोड़ी कम आ रही है। आप कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं? हाँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ राजस्थान की साइड, तो इसीलिए थोड़ी आपको फ्रॉम अ होटल आई एम डूइंग इट राइट नाउ, तो घर से नहीं या ऑफिस से नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद यहाँ चल तो रहा पर शायद इतना अच्छा नहीं चलता, जैसे घर में तो काफी अरेंजमेंट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि रोजी डिबेट्स वेट्स होती रहती, कई बार तो दिन में 8-9 डिबेट्स हो जाती है, तो अरेंजमेंट अच्छा, तो यहाँ इट इज काइंड ऑफ अ वर्किंग। आई आल्सो अपोलोजाइज अगर आवाज ठीक नहीं आ रही। नहीं 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 प्लीज, सो आई ट्राई टू स्पीक लाउडर बट कई बार हो जाता है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आजकल पाकिस्तान में जो एक हलचल मची हुई है इमरान खान की लॉन्ग मार्च और क्या कुछ चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज है कि जिससे आपसे पूछे बगैर मैं आपको जाने नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ मैं 5-5 डिबेट्स एक एक दिन में कर रही हूँ, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? आरजू जी, बात वही है ना कहते हैं कि देखिए आपके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज चलती है जिससे सर्कस चलता रहता, हमारा मनोरंजन होता रहता है, पर तभी आरजू काजमी को 5-5 डिबेटों में बैठना पड़ता है। देखिए हमारे लिए ये बड़ा एक एंटरटेनिंग चीज है, और सच बताएं हम तो ये चाहते हैं कि आप आपस में ही लगे रहे, शरीर ये सब उधर चलते रहे, जितना आप आपस में बिजी रहेंगे तो उतना हमारी तरफ आपका ध्यान कम रहेगा, जो वहाँ सर्कस चलता उससे आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, और जब ये सरका चलता हो तो ना कश्मीर ना इस्लाम ना मुसलमान ना उम्मा की कोई बात करता है, अभी आपस में लगे रहते कि उसने उसको ये कह दिया, कह दिया। अभी आज खबर आई है वसीम अकरम ने ये बोला कि आई बीन डिपेंडिंग ऑन मैं जी कोकेन पे जिंदा हूँ, आज खबर आई, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि मैंने कहा यार अब एक बार बताओ यार कोकेन पे कौन कौन डिपेंडेंट नहीं है। अब नियाजी साहब की कोकेन की खबर आई थी, उनके दोस्तों ने बोल दिया, अब वसीम अकरम की आ रही है, पता नहीं कौन कौन है, वैसे बनते तो साहब गाजी गजनवी है पर सब जाके कोकेन पे क्यों रुकते हैं। और ये जो आपने जो ड्रग्स चलाए ना, जो ड्रग्स की आपके यहाँ मंडी चलती है ना, ड्रग्स का टनल चलता है आपके यहाँ, तो कुछ तो आपके यहाँ भी रहेंगे। देखिए ड्रग्स हमारे कोई या दुनिया को हर्ट नहीं करेंगे, कुछ ड्रग्स आपके यहाँ भी है। मैं तो ये कह रहा था आपके यहाँ कोकीन के राशन कार्डों पे बिकती है क्या? पहले मुझे लगता था अफीम बिकती है केवल, अब मुझे लगता नहीं नहीं कोकीन पे भी होते थे 5 किलो चुके। मैंने खुद ये न्यूज अभी आपसे सुनी और आपसे मैंने बल्कि मंगवाई भी, आपने मुझे भी सेंड भी किया, तो मैं चेक जरूर करूंगी कैसा ऐसा क्यों है। लेकिन ये तो हमने आपके यहाँ पंजाब में भी ये न्यूज बड़ी सुनी है, इंडियन पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है इसका, तो वहां पे आप क्यों रोक नहीं लगा पा रहे? देखिए आरजू जी, ड्रोन तो आपके ऐसे उड़ के आ रहे हैं ना, बॉर्डर को हमने सील कर दिया, आपने टनल्स खोल दी, टनल्स बंद कर दी, आप जो ड्रोन को यूज करके आप जो भेज रहे हो हथियार और कोकेन, दिक्कत तो वहां से आ रही है। और इसीलिए आपने देखो हमने एक चीज की, बीएसएफ का 50 किलोमीटर का हमने वो ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया, BSF is not only limited to border, border से 50 किलोमीटर यहाँ भी उनका jurisdiction है, ताकि जो activities हो रही थी उनको रोका जाए। देखिए पंजाब में ड्रग्स आता है पाकिस्तान से, किसी ने मुझे पूछा था S-400 आपने पंजाब में क्यों लगाया, किसी ने मुझे ये पूछा, मेरे एक अच्छे दोस्त है उन्होंने मुझे पूछा कि ये गुजरात में एयरफील्ड क्यों बना रहे हो, मैंने कहा मैं कहा मर्ज भी तुम बेचते हो, दवा का भी हमसे नाम पूछते हो। सर ये ड्रोन से आपके पास ड्रग्स जा रही हैं और हथियार जा रहे हैं, पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रही। पेमेंट थोड़ी होती है डिलीवरी ऑन पेमेंट का होता है जैसे पेमेंट, ये अमेज़न थोड़ी। देखिए जयशंकर साहब ने क्या बोला, हम एक्सपोर्ट करते हैं IT $3.5 बिलियन $8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन, और ये एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंटरनेशनल टेरर। देखिए इंटरनेशनल टेरर में कोई एलसी थोड़ी ना खुलती है, एलसी देखो हमारे यहाँ होता है ना कि पेमेंट ऑन डिलीवरी, तो इसमें ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा है। तभी तो आप ये अफीम की तस्करी, फ्लैश ट्रेड, हथियारों की स्मगलिंग क्यों कर रहे हो, ताकि आप इसको फ्रेंड कर पाओ। यहाँ कोई बिल थोड़ी ना दे रहा, कोई एलसी थोड़ी ना खोल रहा, कोई स्विफ्ट थोड़ी ना भेज रहा, आपको तो ये हथियार भेजने ताकि इससे हिंदुस्तान में नाश विनाश हो, इसलिए आप ये हथियार भेजते हो। सर ये कोई ये कोई और भी कर सकता है, और ये आपके अपने यहाँ से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब तक अंदर ऐसे लोग ना हो बाहर वाले कर नहीं सकते, तो सर इसलिए हर चीज का तो सर हमारे सर पे ना लगा देना, थोड़ा बहुत ठीक है सर, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सर प्लीज पहले हम बड़ी दिक्कतों में, पहले ही हमारे यहाँ बड़ा कुछ चल रहा है। नहीं देखिए आदू जी, गुजरात के साथ आपका बॉर्डर मिलता है, पंजाब के साथ आपका बॉर्डर मिलता है, S-400 पहले पंजाब में लगता है,
अब मैं और क्या बोलूं। देखिए अब देखिए एक और बात है, ये जो आपकी स्ट्रेटजी थी ब्लीडिंग इंडिया पे 1000 cuts, ये तो हमने नहीं बनाई, ये तो आपने बनाई थी, अनाउंस भी किया इसको। आप इतने टाइम से जिहादी भेज रहे हो, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस बात को। बहुत मुझे जब भी बात सुने बहुत अफसोस होता है इस तरह की बात की गई है। ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी आरजू जी, दिक्कत ये है, ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी, ये ऐसा भी नहीं है कि भाई मतलब हम एक एनालिसिस करें, ये स्टेटेड पॉलिसी है। आप मुझे बताइए कसाब कहां से आया, आप मुझे बताइए जो मीर की बातें हो रही है ये भी पाकिस्तानी, ये जितनी चीजें आ रही है, मुशरफ साहब ने खुद बोला था यार दुनिया में कोई भी घटना होती है तो पाकिस्तानी थे उसके यार तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेस्टर में देखिए, लेस्टर यूके में ये जो इनका गुंडों गुंडई जो कर रहे थे, बदमाशी जो कर रहे थे, जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे, इनका हेड कौन है, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का, ये लेस्टर की। बर्मिंगम में कौन है आरजू जी, पाकिस्तानी ओरिजिन का। पोलैंड में कौन हुआ अभी पीछे घटना थी, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का। कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, कहीं आप तो मानेंगे ना। लेकिन ये है कि जरूर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, और ये जरूर कहा जा रहा है, हमारे कहा तो जा रहा है एटलीस्ट कि जी इन चीजों पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मिलकर काम कर लेना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऐसी ऐसी चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर बार बार कह रही है कि हम इसको रोकना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे, पहले जरूर सपोर्ट कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर ये रोकना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल है आपको नहीं लगता हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलके इसके ऊपर कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कोई कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? देखिए आरजू जी, हम तो 75 साल से कह रहे हैं और आप हमें 75 साल से यही बता रहे हैं, हम साथ काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। आज की सच्चाई ये, मैं थोड़ा टॉपिक से हटूंगा, सच्चाई ये है हमारे एक प्रधानमंत्री साहब ऐसे थे, उन्होंने पूरे रॉ के एसेट्स डिसबैंड कराए पाकिस्तान में, और उसके बाद क्या हुआ, आईएसआई कुड एक्ट ऑन विम्स एंड फैंसीज इन इंडिया, फिर धीरे धीरे एसेट्स बनाए गए, चीजें संभाली गई। पिछले 8 सालों में आपने हमारे कोई बड़ा धमाका बम धमाका होता नहीं, पहले क्या होता था, आज अमृतसर में बम फटा, आज लुधियाना में फट गया, आज दिल्ली में फट गया, आज लाजपत नगर में फट गया, आज सरोजनी नगर में फट गया, आज जयपुर में फट गया, आज बेंगलोर में फट गया, कुछ तो 8 साल में बदला, और 8 साल में एक ही चीज बदली। देखिए मैं करंट बोलता हूँ, मुझे इन बिटवीन द लाइंस बात करनी आती नहीं। मोदी जी ने बोला नो टेररेंट डॉग्स, अगर हम बात करते रहे आपके साथ, जब हम एक हमारे पुराने प्रधानमंत्री साहब बिरयानी बिरयानी खाते थे, एक मैच देखते थे, और मैच के बाद क्या होता, आपको पता है, आपको गिना दी कितने शहरों में, और हमारे कुछ रिपोर्टर ऐसे भी थे जब मुंबई में वो अटैक हुए, कहते रेजिलियंस ऑफ इंडिया, भाई बेचारा गरीब आदमी अगले दिन काम पे उठेगा नहीं, करेगा तो क्या करेगा, उसे बताते रेजिलियंस ऑफ इंडिया, यहाँ ये भी चलता था। 8 सालों में कुछ तो हमने ठीक किया ना आरजू जी, कोई बड़ी घटना नहीं घटी, पुलवामा हुआ उसका जवाब मिला, उरी हुई उसका जवाब मिला, तो जवाब मिल रहे, घटनाएं नहीं घट पा रही, ये मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा जब तक 5 चीजें नहीं रुकेंगी पाकिस्तान में, यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते कुछ चीजें बदली। देखिए इसीलिए मैं हमेशा आपके हमेशा एक चीज खोल के बोलता हूँ कि देखिए हम बाजवा साहब को भी फेस वैल्यू पे लेते, प्लेस वैल्यू पे नहीं लेते। Place value is general of Pakistani army, top most man on command. Place value is by general Kamar Bajwa, मतलब एक individual. अब कौन सी ऐसी 10 चीजें आपने कम कर दी जिसे हम माने कि ground में चीजें बदलेंगी? आज जो एक कहावत है ना, if I keep on doing what I did last year, how can I expect my this year to be better than the last year? देखिए आपके हो सकता है कोई इरादे, कोई लोग मान रहे हो, पर जो जो main चीजें हैं, आज आपके घर में या मैंने अपने गांव में बचपन में अपने दरख्त देखे, अब मैं बोलूं कि जी मुझे दरख्त को काटना, तो क्या सेब काटूं, फल काटूं, दरख्त रुक जाएगा नहीं, पत्ता काटूं दरख्त रुक जाएगा, टहनी काटूं दरख्त रुक जाएगा नहीं, रुक तना काटूंगा फिर रुक जाएगा। अगर दरख्त को काटना है तो क्या करना, आपको उसकी जड़ें काटनी होंगी, काटने के लिए कोई होता नहीं नजर आ रहा जी। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग डायरेक्ट, जड़ काटने वाला कोई नहीं नहीं, मैं तो आप जानते हैं मैं कभी अपने शो में किसी भी गेस्ट को नहीं रोकती, और मैं आपको कहती हूँ कि बिल्कुल बात कीजिए और जो आपको लगता है वो बात कीजिए, ताकि क्योंकि कोशिश होती है कि वीडियो मेरी जो है आगे तक जाए और सब लोग जो स्पेशली पॉलिसी मेकर वो भी देखें, उन्हें मालूम हो कि हमारे साथ जो पड़ोसी हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो किस लिए परेशान हो रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से उस चीज को ठीक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है जी। जी आज जी, अगर 10-15 स्टेप मैंने आपके शोज पे गिना, अगर 5 भी होते नजर आते ना, 5 भी, हम आने चलो यार 30% काम हो गया मेरे हिसाब से। अभी आप बोल रहे हो, पर ये अभी आपका ये थॉट प्रोसेस भी कितने दिन रहेगा ये हमें नहीं पता,
ये थॉट प्रोसेस भी कितने देर रहेगा हमें नहीं पता। और अभी आप देखिए ना, अगर आप कोई टेंजिबल 5 चीज करके दिखा दें, देखिए चाइना का टेक्निकल होल्ड लगा रहा है आपके कहने पे लगा रहा है, तो हमें भी पता चाइना को से क्या लेना है, चाइना को तो ईद से मतलब ही नहीं, मसूद अजहर से चाइना का क्या लेना है, कोई मतलब नहीं। तो आप वहां होल्ड भी लगवा रहे हो और आप यहाँ बातें भी कर रहे हो। अभी वो ISI के वो आए थे जिसमें हमने शो किया था, उनसे पूछा तो उन्होंने तो यूं कर दिया राइट, उन्होंने तो इंटरपोल की कॉर्पस में तो उन्होंने ऐसे मूव कर दिया बंद। मतलब देखिए कहीं तो कोई चीज टेंजिबल दिखे ना, मेरा मत कहना ये दाऊद इब्राहिम का पूछा था आप लोगों ने, तो वहां तो कहता हमें पता ही नहीं, ये तो हमें भी पता कहा अजीत डोवाल जी ने तो उनको बिजली का बिल भी आपको भेज दिया था, पानी का बिल भी, उनकी वाइफ की एक कॉल की रिकॉर्डिंग वो भी भेज दी थी। वही बात है ना, हम डोजियर पे डोजियर डोजियर पे डोजियर भेज दिए, डोजियर पे डोजियर तो वही हो गया जो धामनी में डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख और फिर क्या मिलती है तारीख, आपके तो वही हो रहा है करेंगे करेंगे। अरे अगर आपको टेररिज्म खत्म करना है, ये 5-6 लोग उठा के हैंड ओवर कर दीजिए कम से कम, कहीं से तो शुरुआत होगी। एक देखिए सऊदी अरब, बहरेन, जॉर्डन, कतर, सबने लोग निकाल निकाल के भेजे। सऊदी अरब में तो कुछ लोग ऐसे थे जहाज में भरा और यहाँ उतारा, छोटे जहाज में डाला यहाँ उतारा, उसने अगर आपके भी आने की जरूरत हम पकड़ के दे देंगे। ये इतना चेंज आया इस्लामिक वर्ल्ड, ये सब पहले जाते थे मुसलमान बन के इस्लाम का नाम लेके, जी हम जिहाद कर रहे हैं ये करे, पर उन्हें भी समझाया अरे कोई जिहाद बात नहीं करे दुकान चला। जब वहां से लोग, जब वो इनको अपने घर में नहीं रखते, कहते भाई चलो जहाज वो निकलो, मैं आपको सब करीब अगर कभी आप प्रोग्राम करें मैं आपको कंट्री वाइज नाम के समय बता दूंगा कितने लोग वापस किए, बहुत लोग सोते रहे। नहीं बिल्कुल, एक प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दिखाना होगा कुछ ना कुछ, और तभी थोड़ा सा जो है वो चीजें जो है वो संभल पाएंगी। यही यही बात है ना कि जब तक रिजल्ट नजर नहीं आएगा सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। तो शुक्रिया बहुत सर आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, अपने ट्रिप एंजॉय कीजिए और जैसे वापस आते हैं आप फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।